ब्रह्मांड। क्या है ब्रह्मांड? कहाँ से आया? कभी सोचा है ब्रह्मांड कितना बड़ा है? नहीं ना। हमारे ब्रह्मांड में कितना गैलेक्सी है तुम्हें पता है? हमें छोड़ो, किसी को भी हमारे इस ब्रह्मांड में कितना गैलेक्सी है अब तक नहीं पता, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों के आकार में स्टार्स और गैलेक्सियाँ मौजूद है। हमारे अर्थ में जितने भी समुद्र है उसके किनारे में जो रेत मौजूद है उससे आप तुलना कर सकते हो। हमारे ब्रह्मांड में कितना स्टार्स, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड और गैलेक्सियाँ मौजूद है। तो उन सभी गैलेक्सियों से हमारा एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्क वे गैलेक्सी, आकाशगंगा। और उसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और उस सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट मौजूद है, लेकिन गिनती में 8 प्लैनेट आते हैं। और उसी प्लैनेट से एक प्लैनेट है अर्थ, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। हम अर्थ में तो रहते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में आपको अर्थ के बारे में ऐसे ही कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं फैक्टवे, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 15 फैक्ट अबाउट प्लैनेट अर्थ। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि धरती की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 454 करोड़ ईयर्स। अब आप सोच रहे हैं कि धरती की एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की होगी? तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से कैलकुलेट किए साइंटिस्ट ने अर्थ की। यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सबसे जो पुरानी पत्थर मिली है हमें वो 4.54 बिलियन ईयर्स की पहले की है, यानी कि धरती की फॉर्मेशन की टाइम की। और इससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। नंबर 2, द अर्थ वॉज वंस बिलीव टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और सारे प्लैनेट्स और सन इसकी चारों ओर घूमते हैं। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर ये बंदा आया निकोलस कोपरनिकस, और ये बंदे ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग दिस मॉडल सन अर्थ की चारों ओर नहीं घूमती बल्कि अर्थ सन की चारों ओर घूमती है। पर यह तो हम जानते हैं कि जियो मॉडल गलत है और हेलियो मॉडल बिल्कुल सही। नंबर 3, द रोटेशन ऑफ अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। अर्थ की रोटेशन स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। अगर हम डी एक्सीलेशन ग्रेड की बात करें तो यह 17 मिली सेकेंड्स पर 100 ईयर्स की है, पर अर्थ की स्पीड कम हो रही है क्योंकि मून अर्थ से दूर घिसकती जा रही है लगभग 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर्स की हिसाब से, और इसीलिए धरती की रोटेशन स्लो होती जा रही है। धरती मून से जितना दूर जाएगी अर्थ की रोटेशन स्पीड उतना ही स्लो होती जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर वो सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये अमेजिंग क्यों है। कुछ 454 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया था तब चांद धरती का बहुत ज़्यादा सामने था, और उस वक्त हर एक दिन लगभग 6 से 7 घंटे का हो रहा था। लेकिन आज लगभग 450 करोड़ साल बाद मून दूर घिसकता गया और धरती स्लो होती गई, और इसीलिए आज हर एक दिन 24 घंटे की हो रही है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होती रहेगी, और 14 करोड़ साल बाद धरती की हर एक दिन की ड्यूरेशन 24 से 25 आवर्स में बदल जाएगी। नंबर 4, रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम सब जानते हैं कि अर्थ सन की चारों ओर रिवॉल्व करती है, लेकिन इसकी रिवोल्यूशन स्पीड कितनी है? इसकी रिवोल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। नंबर 5, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ पर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिफर करता है। 10 जुलाई 1913, डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स पर आज तक से सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है जो 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस जो जुलाई 21, 1983 को वोस्टोक स्टेशन रूसिया पर रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 6, अर्थ सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी भी रोमन या ग्रीक गॉड के नाम पर नहीं रखा गया। नंबर 7, धरती पर पाया जाने वाला 70% पीने लायक पानी केवल अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है जिसमें सिर्फ 90% बर्फ है। नंबर 8, अर्थ का 70% समुद्र है। इसमें हम इंसान जो खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं इन समुद्र के सिर्फ 5% के बारे में ही ठीक से जानते हैं, और तो और हम अपने समुद्र के बारे में अब तक इतना भी नहीं जान पाए हैं जितना हमें स्पेस के बारे में अब तक जान चुके हैं। नंबर 9, हमारी धरती की समुद्र में लगभग 2 करोड़ टन सोना मौजूद है, यानी कि जितना इंसान सोना पाने की लालच रखता है उससे भी कई गुना ज़्यादा सोना धरती पर मौजूद है। केवल समुद्र तल में इतना सोना है उसको निकलने में इंसान अगर कामयाब हो जाए तो
धरती में मौजूद हर एक इंसान को लगभग 4-4 किलो सोना बांटा जा सकता है। नंबर 10, अगर आप सोचते हैं कि केवल 7 महाद्वीप है तो आप गलत हैं। लिस्ट में तो 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जियोलंडिया कॉन्टिनेंट। तो अब आप सोच रहे हैं कि ये जियोलंडिया कॉन्टिनेंट कहाँ से आएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि ये महाद्वीप अर्थ पर पहले से ही था और इस महाद्वीप पर सिर्फ एक देश है जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। इस महाद्वीप का ज़्यादातर भाग समुद्र तल में डूब चुका है और लाखों साल पहले यह महाद्वीप भी समुद्र तल से ऊपर हुआ करता था। नंबर 11, माउंट एवरेस्ट। क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। अगर हम धरती के गर्भ से पर्वत से ऊंचाई मापे तो माउंट चिम्बोरसा सबसे ऊंचा पर्वत है। नंबर 12, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब एंडीज माउंटेन रेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला सिर्फ 10% भाग ही हमें दिखता है और बाकी भाग समुद्र की गहराइयों में है। इसे हम मिड ओशियन रिज सिस्टम के नाम से जानते हैं। 1950 में की गई एक सर्वे के अनुसार इसकी लंबाई 80,000 किलोमीटर है और ये एंडीज माउंटेन रेंज से 20 गुना ज़्यादा लंबी है। नंबर 13, सनडंग केव। सनडंग नाम का एक केव है यानी गुफा, और वो गुफा दुनिया की सबसे बड़ा गुफा है, लॉन्गेस्ट केव इन दी वर्ल्ड। और ये सिर्फ एक गुफा नहीं है बल्कि ये अपने ही अंदर पूरी की पूरी एक दुनिया है। ये करीब 200 मीटर ऊंचा है और इसका अंदर अपना क्लाइमेट, अपना नदी, अपना जंगल, अपना बादल, अपना क्लाउड्स है। एक तरफ से ये एक मिनी वर्ल्ड है ना अमेजिंग। नंबर 14, सहारा डेजर्ट। सहारा रेगिस्तान को दुनिया का सबसे गर्म और सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है। दुनिया की सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा का नाम सुनकर सिर्फ रेत, धूल और गर्मी का ख्याल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी पार कर जाता है। पर इसमें अमेजिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है, बर्फ पड़ी है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये खबर 100% सच है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इसी सहारा रेगिस्तान की है। 18 फरवरी 1979 में सहारा के तप्त रेगिस्तान में बर्फ पड़ी थी, वो भी 30 मिनट तक, मतलब आधा घंटा तक सहारा रेगिस्तान में बर्फ पड़ी थी। नंबर 15, मैं आपको दुनिया के उस हिस्से में लेके चलूँगा जहाँ के लोग एक साल में 40 दिन अंधेरे में रहते हैं, क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में सूर्य के प्रकट होने का संभावना है 0 है। मैं दुनिया की जिस हिस्से की बात कर रहा हूँ उसका नाम मुरमेंस है। ये रशिया का एक शहर है, पर इसकी वजह है यहाँ पर 6 हफ्ते तक रहने वाला पोलर नाइट्स। पोलर नाइट्स एक प्राकृतिक घटना है जो पोलर सर्कल के उत्तर में मौजूद इलाकों में देखने को मिलती है। मुरमेंस रशिया में उन 30 शहरों में से एक है जो अर्थ का आर्कटिक सर्कल पर मौजूद है। अगर आप पोलर नाइट, सनडंग केव, सारा स्नो डेजर्ट, रेड रेन, सोनिक बॉम, मून बोज और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो ये था अर्थ के बारे में 15 अमेजिंग फैक्ट्स। तो कौन कौन सी बात आप पहले से जानते थे और आज आपको क्या क्या नया जानने को मिला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।